बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया हुआ था लेक्चर आइज़ के ऊपर। आज हम इसका कुछ पोर्शन जो रहता है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ये जो आइज़ हैं, देखें, द आयरिस डिवाइड्स द कैविटी ऑफ आई इंटू टू चैम्बर। अब जो आयरिस है ये डिवाइड करता है कैविटी, ठीक है, कैविटी ऑफ द आई को किस में टू चैम्बर्स के अंदर, यानी पोस्टीरियर चैम्बर और उसके साथ साथ एंटीरियर चैम्बर। अब पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर कैसे इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, देख लेते हैं। द एंटीरियर चैम्बर इज फ्रंट ऑफ आयरस। अब जो एंटीरियर चैम्बर है वो इन फ्रंट ऑफ आयरस है, यानी आयरस के फ्रंट के ऊपर है, बिटवीन कार्निया एंड आयरस, ठीक है। वेरियाज द पोस्टीरियर चैम्बर इज बिटवीन द आयरस एंड रेटना। हमने कहा है कि ये जो एंटीरियर चैम्बर है और उसके साथ साथ ये पोस्टीरियर चैम्बर है। अब एंटीरियर चैम्बर है क्या है, फ्रंट ऑफ आयरस, यानी ये देखें फ्रंट ऑफ आयरस, ये है इंटीरियर चैम्बर। इंटीरियर होता है पहले वाला, ऊपर वाला, ठीक है। अब ये किसके है, फ्रंट ऑफ आयरस के, ठीक है। अब और उसके साथ साथ ये देखें कि फ्रंट ऑफ आयरस उसके बिटवीन कार्निया एंड आयरस, और उसके साथ साथ ये किस में है, कार्निया और आयरस में, ये आयरस है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये ऊपर वाली क्या, ये क्या है, कार्निया है, ठीक है। अब हमने क्या है कि इंटीरियर चैम्बर है, ये इंटीरियर चैम्बर किसके फ्रंट है, आयरस के। अब ये किस किस के दरमियान है, कार्निया और उसके साथ साथ, कार्निया और उसके साथ साथ आयरन से, ठीक है। अब वेयर इज द पोस्टीरियर चैम्बर इज बिटवीन आयरस एंड रेटना। अब पोस्टीरियर चैम्बर ये वाला है, ठीक है। अब ये आयरस और रेटना के, ठीक है। अब पोस्टीरियर चैम्बर ये देखें, कहा गया कि पोस्टीरियर चैम्बर है ये बिटवीन है किस किस पे, आयरस और उसके साथ साथ रेटना, ठीक है। ये रेटना है, ये वाला जो है ये पोस्टीरियर चैम्बर है, ये वाला इंटीरियर चैम्बर है, ये वाला पोस्टीरियर चैम्बर है। इंटीरियर चैम्बर आयरस के सामने है, ये देखें, और उसके साथ साथ बिटवीन है आयरस और कार्निया में। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये पोस्टीरियर चैम्बर है, ये पोस्टीरियर चैम्बर किस किस के दरमियान है, आयरस और रेटना के दरमियान, ठीक है। अब द इंटीरियर चैम्बर कंटेन्स ए क्लियर फ्लूइड नोन एज एक्वस ह्यूमर। अब इंटीरियर चैम्बर क्या है, कंटेन करता है क्लियर फ्लूइड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, उसको क्या कहेंगे, एक्वस ह्यूमर। व्हाइल द पोस्टीरियर चैम्बर कंटेन ए जेली लाइक फ्लूइड। अब उसके साथ साथ अगर हम बात करें, पोस्टीरियर चैम्बर एक जेली लाइक फ्लूइड्स पर मुश्तमिल होता है, उसको क्या कहेंगे, विट्रस ह्यूमर। इट हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंड द डेलिकेट लेंस। अब इन्होंने क्या करना है कि मेंटेन करना शेप ऑफ आई को, और उसके साथ साथ सस्पेंड करना है डेलिकेट लेंस को, ठीक है, इन्होंने, इन दोनों चैम्बर्स ने। ये जो हमने तमाम बातें की हैं इसके अंदर आ चुकी हैं, यानी ये एक्वस ह्यूमर है, ठीक है, और ये विट्रस ह्यूमर है। उन्होंने क्या है, सस्पेंड करना है डेलिकेट किसको, लेंस को। अब ये जो एक्वस ह्यूमर हमने बता दिया है, आयरस और उसके साथ साथ ये कॉर्निया के दरमियान है, ये विट्रस, और उसके साथ साथ लेंस और रेटना के दरमियान ये वाला वो विट्रस ह्यूमर है। लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटर आई एंड इज रिफ्रैक्टेड। अब लाइट ऑब्जेक्ट से इंटर होती है आई में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट इंटर होगी आई के अंदर, एंड इज रिफ्रैक्टेड, और रिफ्रैक्ट हो जाएगी व्हेन इट पासिस थ्रू कार्निया, जब ये किससे पास करेगी, कार्निया के जरिए। अब उसके साथ साथ अब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटर हुई है आई के अंदर, आई के अंदर होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, कब होगी, जब इन चीजों से ये गुजरेगी, ठीक है, व्हेन इट पासिस थ्रू कार्निया, कार्निया से गुजरेगी, फिर उस कार्निया से एक्वस ह्यूमर में आ जाएगी, लेंस से गुजरेगी एंड विट्रस ह्यूमर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट आएगी इन चीजों से गुजरेगी, गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लेंस आल्सो फोकसेस लाइट ऑन रेटना, और उसके साथ साथ जो लेंस है वो भी फोकस करते हैं लाइट को किसके ऊपर, रेटना के ऊपर। एज ए रिजल्ट द इमेज फॉल्स ऑन रेटना। अब इसका क्या रिजल्ट होगा कि इमेज फॉल होगा किसके ऊपर, रेटना के ऊपर। रॉड्स एंड कोन्स जनरेट नर्व इम्पल्सिस इन द ऑप्टिक नर्व। अब रॉड्स और उसके साथ साथ कोन्स ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्स को किस में, ऑप्टिक नर्व्स में, ठीक है। अब रॉड्स और कोन्स ने क्या काम करना है, इन्होंने नर्व इम्पल्स जनरेट करनी है किसके अंदर, ऑप्टिक नर्व के अंदर। दीज इम्पल्सेस आर कैरीड टू द ब्रेन। अब ये जो इम्पल्सेस होगी, ठीक है, इम्पल्स अब किसके पास कैरी हो चुकी है, ब्रेन के पास। विच मेक द सेंसेशन ऑफ विजन,
अब कोई भी विजन होगी उसकी सेंसेशन इस तरह कंप्लीट होगी, ठीक है। अब रॉड्स कंटेन पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सन। अब रॉड्स कंटेन होती हैं पिगमेंट के ऊपर, अब वो पिगमेंट कौन सा है? रोडोप्सन। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रोडोप्सन, जब लाइट फॉल, अब रॉड किसके ऊपर? पिगमेंट के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। वो पिगमेंट क्या है? रोडोप्सन है। जब लाइट फॉल करेगी किसके ऊपर? रोडोप्सन के ऊपर, और ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने जनरेट करना है नर्व इम्पल्स को। देखिए, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रोडोप्सन इट ब्रेक्स फ्रॉम फॉर जनरेटिंग ए नर्व इम्पल्स। अब ये ब्रेक हो जाएगा किसके लिए? नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट आर अगेन कन्वर्टेड इनटू द रोडोप्सन। अब जब एब्सेंस होगी किसकी? लाइट की, और वही जो जो पिगमेंट में ब्रेक डाउन हो गए थे, ठीक है। अब एब्सेंस लाइट के अंदर वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? रोडोप्सन में, ठीक है। रोडोप्सन की तब ब्रेक डाउन हुई है, तब इन्होंने क्या काम करना है? नर्व इम्पल्स को जनरेट करना है। बॉडी सेंथिसाइजेस रोडोप्सन फ्रॉम विटामिन ए। अब बॉडी सेंथिसाइज करता है रोडोप्सन को किससे? विटामिन ए से। एंड दैट इज व्हाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज पुअर नाइट विजन, ठीक है। तभी जाके अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो तब जाके क्या होता है कि पुअर नाइट विजन होती है, यानी देखना, जो इंसान देखता है वो देखना क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। अब हमने कहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, लाइट आने के बाद किसके ऊपर? रोडोप्सन के ऊपर गिरती है। जो रोडोप्सन के ऊपर जब गिरेगी तो वो इसको क्या? ब्रेक कर देगी। जब उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो उस ब्रेक डाउन के साथ साथ वो नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। वो नर्व इम्पल्स किसके पास जाती है? नर्वस सिस्टम के पास। इसी तरह जब एब्सेंस ऑफ लाइट होती है तो क्या होता है कि ये जो पॉसिबल होगा, यानी रोडोप्सन दोबारा क्या उसकी सेंथिसाइज होगी, लेकिन सेंथिसाइज किससे होती है? विटामिन ए की वजह से, ठीक है। अब ठीक है, अब विटामिन ए की वजह से उसकी सेंथिसाइज होती है। इसी वजह से अगर हम कहते हैं कि डेफिशिएंसी विटामिन ए की हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? पुअर नाइट विजन होती है, यानी रात को दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। अब इस ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की वजह से। कॉन्स आल्सो कंटेन ए पिगमेंट। अब और वो रॉड्स थे, ठीक है। देखें यार, कॉन्स आल्सो कंटेन ए पिगमेंट। अब ये जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, ये देखिए, रॉड्स कंटेन पिगमेंट, रोडोप्सन कंटेन किया, ठीक है। रॉड्स के अंदर पिगमेंट कौन से के पिगमेंट को कंटेन करते हैं? रोडोप्सन के। अगर हम बात करें कॉन्स की, कॉन्स आल्सो कंटेन ए पिगमेंट। अब कॉन्स के पास भी पिगमेंट होते हैं, वो कौन से हैं? रोडोप्सन। याद रखें, रॉड्स के पास क्या कौन से? रोडोप्सन के पास थे। रॉड्स किस पिगमेंट पर मुश्तमिल था? रोडोप्सन पर। कॉन्स किन कौन से पिगमेंट पर मुश्तमिल होगा? रोडोप्सन पर। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कॉन्स एंड ईच टाइप हैज ए स्पेसिफिक रोडोप्सन। अब थ्री मेन टाइप्स ऑफ कॉन है, ठीक है। अब हर कॉन के पास स्पेसिफिक क्या होगा? पिगमेंट होगा, यानी रोडोप्सन होगा। ईच टाइप ऑफ कॉन्स रिकॉग्नाइजेस वन ऑफ द थ्री प्राइमरी कलर्स। अब हर टाइप जो कॉन की होगी, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करेगा क्या? थ्री प्राइमरी कलर्स को। अब हमने ये बात की कॉन्स किस पर मुश्तमिल है? पिगमेंट्स पर, रोडोप्सन। अब तीन तरह के कॉन्स तीन तरह के रोडोप्सन पर मुश्तमिल होगा। हर जो पिगमेंट्स होगा वो क्या है? रिकॉग्नाइज करेगा क्या? प्राइमरी कलर्स को, ठीक है। यानी ये तीनों क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? डिफरेंट कलर्स को। वो क्या हो सकते हैं? ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। अब ये तीन तरह के जो पिगमेंट है, तीन तरह के क्या है कलर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ब्लू, ग्रीन एंड रेड। इफ एनी टाइप ऑफ कोन इज नॉट वर्किंग वेल, अगर कोई भी कोन्स की टाइप जो है नॉट वर्किंग वेल हो तो इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट कलर। तो क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है कि ऐसा कलर क्या है कि वो क्या है कि इनको डिफरेंशिएट ना कर सके, ठीक है। देखिए, इफ एनी टाइप ऑफ कोन इज नॉट वर्किंग वेल, अगर कोई भी कोन वर्किंग वेल नहीं करता, इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट कलर। तो उस तरह का कलर रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता। सच पर्सन इज ऑल्सो नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर। अब ऐसा पर्सन क्या है कि डिफरेंट कलर के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। दिस डिजीज इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस एंड इट इज जेनेटिक प्रॉब्लम। अब ये जो डिजीज है ये कलर ब्लाइंडनेस की है, ठीक है। अब इसी की वजह से क्या होता है? जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। हमने ये बात की है कि कॉन्स हैं, ठीक है, ये कॉन्स पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, अडोप्शन पर। अब तीन तरह के कॉन है, तीन तरह के पिगमेंट्स पर मुश्तमिल हो गए, ठीक है, तीन तरह के अडोप्शन पर। अब हर जो अडोप्शन है, ठीक है, वो क्या है विजन करता है किसकी?
कलर्स की, रिकॉग्नाइज करता है किसको कलर्स को, यानी इन तीन तरह के जो पिगमेंट है ब्लू ग्रीन एंड रेड को क्या है ये डिफरेंशिएट करेगा। जब ब्लू ग्रीन और रेड को डिफरेंशिएट करेगा तो बंदा क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर इनमें से एक भी पिगमेंट क्या है काम करना छोड़ देगा, तो काम नहीं करेगा, तो डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। जब डिफरेंट कलर के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, कलर्स के अंदर क्या डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम कॉज होते हैं। अब ये था, हमने बात की है कि ये हुए हैं यानी कौनस कंटेन होते हैं पिगमेंट्स के ऊपर। अब नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, मायोपिया। ठीक है, ये शॉर्ट साइट है यानी नजदीक की चीजों को देख सकते हैं कि इसमें मायोपिया के अंदर देखें, द एलोंगेशन ऑफ आई बाल रिजल्ट इन मायोपिया। अब इसके अंदर आई बाल क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, यानी इलोंगेशन हो जाएगी किसकी, आई बॉल की, तो उसका रिजल्ट होगा मायोपिया, यानी नजदीक की चीजों को देख पाएंगे दूर की चीजों को नहीं देख पाएंगे। सच पर्सन आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब ऐसा जो पर्सन होगा क्या, ये क्या है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख नहीं पाएगा, यानी दूर के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा। ठीक है, मायोपिया के अंदर अब क्यों नहीं देख पाएगा, देखें द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटना। अब ये देखें, ये इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटना यानी रेटना से पहले ही इमेज बन चुका है, तब जाके ये दूर की चीजों को देख नहीं पाएगा। मायोपिया के अंदर जो पेशेंट है ये दूर की चीजों को देख नहीं पाएगा। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड बाई यूजिंग कनकेव लेंस। अब इस प्रॉब्लम को यानी कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, कनकेव लेंस की वजह से। ये देखिए, कनकेव लेंस आज यूज हुआ तो इसकी वजह से ये जो इमेज बना है कि रेटना से पहले ये क्या कर देगा, ये इमेज को बनाएगा किसके ऊपर, रेटना के ऊपर, तब जाके इंसान क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मायोपिया को हमने कहा शॉर्ट साइट है, यानी नजदीक की चीजों को देख सकते हैं दूर की चीजों को देख नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि नजदीक की चीजों को जो हम देख सकते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसमें क्या है आई बॉल की इलोंगेशन हो जाती है, यानी बड़ा हो जाता है, और जो इमेज बनता है इन फ्रंट ऑफ रेटना के बनता है। ठीक है, यानी रेटना से पहले ही इमेज बन जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कनकेव लेंस यूज होता है। ये कनकेव लेंस क्या करेगा, इस इमेज को किसके ऊपर फोकस कर देगा, रेटना के ऊपर फोकस कर देगा। तो जब रेटना के ऊपर फोकस कर देगा तो इंसान को क्या है, दूर की चीज भी दिखाई देने लग जाएगी। अब हाइपर मेट्रोपिया, इसमें लॉन्ग साइट है, इसमें लॉन्ग दूर की चीजों को हम देख सकेंगे लेकिन नजदीक की चीजों को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इट हैपेंस व्हेन आई बॉल शॉर्टन्स। अब तब होता है कि उसमें आई बॉल क्या हो चुका था, इलोंगेट कर चुका था, इसमें आई बॉल क्या हो चुका है, शॉर्टन हो चुका है। सच पर्सन आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब इस ऐसा पर्सन क्या है कि नजदीक की चीजों को क्लियर नहीं देख पाएगा। दिस इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटना। इसमें क्या है कि जो इमेज है वो रेटना के बिहाइंड बना है। ठीक है, रेटना के बिहाइंड बन चुका है इमेज, तब जाके क्या है नजदीक की चीजों को देख नहीं पाएगा बल्कि दूर की चीजों को देख पाएगा। तो इसको कैसे हम रेक्टिफाइड कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का हल कैसे करेंगे, कन्वेक्स लेंस इज यूज टू रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम। अब कन्वेक्स लेंस इसमें यूज होगा किसके लिए, इस रेक्टिफायर यानी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ये देखें, इमेज बना था बिहाइंड द क्या है, रेटना, लेकिन ये क्या कन्वेक्स लेंस इमेज बनाएगा किसके ऊपर, रेटना के ऊपर। ठीक है, तब जाके बंदा नॉर्मल होगा। हमने हाइपरमेट्रोपिया के अंदर बात की है लॉन्ग साइड, ठीक है, लेकिन हमने मायोपिया के अंदर बात की है शॉर्ट साइड। अब इसके अंदर आई बॉल शॉर्ट हो जाता है लेकिन मायोपिया के अंदर आई बॉल की इलोंगेशन हो जाती है। इसके अंदर क्या है, नजदीक की चीजें देख नहीं पाएंगी, उसके अंदर नजदीक की चीजें यानी मायोपिया के अंदर नजदीक की चीजें हम देख सकते हैं। इसे अब इसमें क्या हो जाएगा, जो इमेज बनेगा बिहाइंड रेटना बनेगा, लेकिन अगर मायोपिया की बात करेंगे उसमें इमेज बिफोर ऑफ रेटना यानी रेटना से पहले ही बन जाता है। इसको दुरुस्त करने के लिए हमने कन्वेक्स लेंस यूज किया है, लेकिन मायोपिया को दुरुस्त करने के लिए हमने क्या यूज किया है, कनकेव लेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू।